जिंदाबाद जिंदाबाद मोनू भैया जिंदाबाद 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 मोनू जिंदाबाद 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 राजेंद्र तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद अपना जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर आ जाइए आराम से की एससी एसटी की वजह से जो नोटा पे वोट पड़े उससे भाजपा हारी है। देखिए जब हारते हैं तो उसके तमाम सारे कारण होते हैं और राजभर जी हमारे सहयोगी दल है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना विचार है। हमारी दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल और बहन अनुप्रिया पटेल सड़क से लेके संसद तक हम एससी एसटी एक्ट के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पिछड़ों दलितों के शोषित पीड़ित जो लोग हैं सड़क से लेकर संसद तक अपना दल लड़ाई लड़ रहा है। आप हमेशा देखते होंगे कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मांग की है सहयोगी दल होने के नाते सरकार में कि जिले का डीएम एसपी एक दलित या ओबीसी में होना चाहिए। थानों और तहसीलों में दलितों पिछड़ों के लिए इनके अधिकारियों का एक होना चाहिए, उनकी नियुक्ति होना चाहिए, ये लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है हम लोग चाहते हैं कि इसका अलग मंत्रालय हो। बातें बहुत होती हैं लेकिन आरक्षण कहाँ मिला है 22%? कागजों में बात चल रही है ना, 22% आरक्षण दो। हम ये कह रहे हैं कि 27% आरक्षण है, आप उसमें ये बांट रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, पिछड़ा अति पिछड़ा। अरे हम कहते हैं किसी को भी दे दो लेकिन 27% कोटा तो पूरा करो, कोटा कोई नहीं पूरा करता है। बात है दलितों पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए ईमानदारी से हम लोग बात करते हैं कि उनका आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, आप किसी को भी दे दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको दो कि ना दो, कुर्मी को दो कि यादव को दो कि पाल को दो, कुशवाहा को दो, प्रजापति को दो, अरक को दो, कार को दो, कुमार को दो, आपको जिसको मन आवे उसको दो, लेकिन 27% पिछड़ी जातियों को आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा।